हेलो आप स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की लर्निंग क्लास में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग ए टू जेड बेसिक टू एडवांस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं सक्सेसफुली आप सभी के सपोर्ट से, तो आज की जो क्लास है वो क्लास टू होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों ने वेट किया होगा क्लास टू का क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो एक्चुअली आज हम लोग क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा हम लोगों ने कल में देखा भी था। तो हम लोगों ने बेसिक क्लास के अंदर देख रखा था, दो प्रोमो भी हम लोगों ने देखे, और बेसिक क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केट में स्टॉक कैसे लिस्ट होता है, बेसिक मार्केट में कैसे काम करता है, मार्केट में कैसे एनएससी बीएससी होता है, निफ्टी इंडेक्स, बहुत सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हम लोगों ने आईपीओ तक देख लिया था प्रोसेस की आईपीओ कैसा है, आईपीओ के बाद जब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक लिस्ट हो जाता है तो वो कैसे काम करता है वो भी हम लोगों ने देख रखा, यानी कि डिमांड सप्लाई कैसे में मिलता है, कैसे बायर और सेलर कहां पर मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, किसे मार्केट कहते हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा था। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्टॉक वैल्यूएशन। अब स्टॉक वैल्यूएशन क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुका है, यानी कि कोई शेयर अब ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, मतलब मार्केट के अंदर कोई, जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि 50 करोड़ की कंपनी थी वो अपने शेयर लेकर आ गई मार्केट के अंदर, जो 100 रुपए का शेयर मार्केट में आया था उसकी वैल्यूएशन कितना था, लिस्ट हुआ था 130 रुपए, यानी कि 30 रुपए ऊपर ये लिस्ट हुआ था, यानी कि 30% हाई पर ये लिस्ट हुआ था। अब उसके बाद अगर हम किसी अजय इन्वेस्टर लाइक मैं या आप, एक रिटेल इन्वेस्टर, एक बड़ा इन्वेस्टर, उस स्टॉक खरीदना सारा मार्केट में जिसको पता नहीं कंपनी वालों से आईपीओ नहीं उसने लिया और वो एक नया इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब स्टॉक वैल्यूएशन में क्या बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, इसे कह सकते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि अब वो कंपनी क्या हुआ लिस्ट हो चुकी मार्केट के अंदर, सबको पता हुआ, खुला एक किताब हो चुका है, जैसे ही मान लो पूरा एक लिस्ट आ गया और यहां पर उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा होगा कि कंपनी क्या काम करता है, इसका फंडामेंटल क्या है, इसका मतलब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इसका टेक्निकल इंडिकेटर क्या है, क्योंकि वो अब मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुकी है ना। तो यहां पर सबसे पहले काम होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं, इवन इंट्राडे के लिए बाय करते हैं या स्विंग ट्रेड के लिए बाय करते हैं, या हम जब किसी स्टॉक को परचेज करते हैं तो वहां पर हमें ना करंट पोजीशन जानने के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ता है, तो उसको भी देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्या क्या उसमें चीजें यूज करते हैं। उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि कंपनी की करंट कैश फ्लो क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी की हेल्थ क्या है, कंपनी क्या बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, उसका सेल क्या ग्रोथ हो सकता है फोबिस के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जिस स्टॉक को हम खरीदने वाले हैं मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्ट है, अब उसके फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, उस कंपनी का बैलेंस शीट क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग एक बार डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा उसमें जैसे स्टॉक हम वैल्यूएशन करते हैं, तो सबसे पहले मैं स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर जो चीज देखनी किसी स्टॉक को परचेज करने से पहले, और आपने देखा भी होगा कि ना इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, या हम 1970 के आसपास की बात करें बेंजामिन थे, उन्होंने भी इसके ऊपर, ग्राम जी ने भी इसके ऊपर काम किया, और अभी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो एक बार चर्चा करते हैं कि यार पी रेशियो क्या कर रहा है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग क्या कह रहा है उसका, तो पी रेशियो का मीटर क्या, पी रेशियो क्या होता है, ये सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें, अगर अभी आपने देखा था मैंने एक वीडियो बनाया था आपके साथ वहां पर कहा था कि मार्केट अगर क्रैश होने वाला है, मार्केट अगर हमें क्रैश होने वाला है तो कैसे पता करें कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और इस बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें पी रेशियो पता चल जाए। अब चाहे वो निफ्टी की बात करें, हम लोग कहते हैं निफ्टी की बात करें, या सेंसेक्स की बात करें, या हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो वहां पर ना मार्केट को ओवरबॉट एरिया में कैसे पता करें कि मार्केट ना अभी ओवरबॉट एरिया में चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूएशन पर चल रहा है या अंडर वैल्यू चल रहा है मार्केट, तो ये कैसे पता करें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना पी रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर मैं पता चल गया उस टाइम पर। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर करंट पर आप देखोगे सबसे बेहतर जो स्टैंडर्ड माना गया है, ग्राम जी ने तो अभी जो पी रेशियो 1970 में माना था कि पी रेशियो 15 के आसपास होना चाहिए, अभी क्या कर रहे हैं, पी रेशियो को स्टैंडर्ड जो माना गया पी रेशियो उसे हम लोग मानते हैं कि 20 के आसपास अगर पी रेशियो किसी स्टॉक का चल रहा है, या जितना कम होगा उतना चलेगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि वो निगेटिव ना हो, जितना कम हो उतना चलेगा। अब क्या होगा कि प्राइस रेशियो क्या होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करके अभी मैं बताऊंगा। अब ये क्यों कहा गया कि 20 के आसपास होगा, इसे सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको निकालना समझेंगे। मार्केट में मानो कोई शेयर थोड़ी देर के लिए कोई कंपनी है उसका पी रेशियो चल रहा है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए उसका पी रेशियो चल रहा है,
यानी कि एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में कर रहे हैं उसको 10 रुपए एडवांस में पे कर रहे हैं, 1 रुपए कमाने के लिए, साल भर में 1 रुपए कमाने के लिए आप उस कंपनी को 10 रुपए दे रहे हैं। यानी कि आप बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि आप उस कंपनी को कितना रुपए पे कर रहे हैं, कितना रुपए पे कर रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए। अब मैं मानता हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट किया आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब उस कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे इतना बड़ा रिटर्न दे। तो आप पी रेशियो से समझिएगा कि आप 10 रुपए उस कंपनी को एडवांस में पे कर रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, समझ गए ना, ये इसको कहते हैं प्राइस रेशियो। अब इसमें से अगर हम देखें, इसको देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझिए, यहां पर देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि अगर हम इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करें, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो आपको कैसे निकालना है, वो निकालना है आपको प्राइस जो करंट स्टॉक का भाव चल रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं करंट, जो करंट भाव चल रहा है, करंट प्राइस अर्निंग, और यहां पर देखना ईपीएस। अब आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपनी का पी रेशियो क्या चल रहा है, उस स्टॉक का करंट पी रेशियो क्या चल रहा है। अभी जितना कम होगा, जैसे मैंने आपसे कहा किसी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो मान लो 200 रुपए चल रहा है, अब उसका अर्निंग पर शेयर मान लो 10 रुपए चल रहा है, ठीक है ना, तो यहां से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो गया 20 रुपए चल रहा है। यानी कि आप उस कंपनी को जो पी रेशियो निकल के आया, वो मेरे लिए पी रेशियो कितना निकल गया 20 निकल के आया, यानी कि हम 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपए देने के लिए तैयार है। अब यही चीज समझना कि किसी स्टॉक के अंदर, एक उदाहरण भी मैं दूंगा, अक्सर आपने, मैंने बहुत बार कहा भी है, ATGL का उदाहरण देते हैं, अडानी टोटल गैस का, उसका पी रेशियो कितना चल रहा है अभी देखोगे जाकर, तो मुझे लग रहा है 200 प्लस 208 के आसपास अभी चल रहा है, 200 प्लस मान लो 200 प्लस चल रहा है यहां पर 200 प्लस, यानी कि ATGL का आप शेयर खरीद रहे हैं इतने भाव पे, पी रेशियो पे खरीद रहे हैं कि आप उसको 200 रुपए एडवांस में पे कर रहे हैं 1 रुपए खरीदने के लिए। और बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं मार्केट में, हजारों कंपनियां लिस्ट है मार्केट के अंदर, वहां उनके पी रेशियो बहुत सस्ते पे मिल रहे हैं, फिर हम क्यों ATGL को खरीद रहे हैं 200 के भाव पर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। बहुत सारे स्टॉक खरीद रहे हैं, एक मैं एग्जाम्पल ये तो ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया रिलायंस इंडस्ट्री का, क्योंकि सबसे बड़ा मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी यही है भारत के अंदर। अब इस कंपनी में अगर आप देखोगे, इसका पी रेशियो यहां पर देखिएगा, पी रेशियो कितना चल रहा है, यहां पर देखो, इसको हटा देता हूं, यहां से कलर ले लेता हूं, ठीक है। अब इसका पी रेशियो देखिएगा, यहां पर पी रेशियो कितना 26 का, यानी कि इस कंपनी का आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 26 रुपए 20 पैसे एडवांस में पे कर रहे हो, तो ये कितना है, इधर देखिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, यहीं पर मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं, उसको समझिएगा, इसका 26 रुपए। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि ATGL का ही उदाहरण ले लेते हैं, अब अडानी टोटल गैस का लेंगे, 193 का चल रहा है, तो हमारे लिए रिलायंस बेहतर है या ATGL बेहतर है। रिलायंस का 26 पे चल रहा है, 26 रुपए आप पे कर रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, यहां से 193 रुपए पे कर रहे हैं वहां पर 1 रुपए कमाने के लिए, तो आप भविष्य यही कहोगे कि यार मुझे ना रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस में सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ये पता चलेगा किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि मैं कितने पी पर उस स्टॉक को खरीद रहा हूं, जितना कम पी है उतना बेहतर चलेगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, उसका स्टॉक जो खरीद रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी यानी कि कंपनी के पास उस स्टॉक की बुक वैल्यू क्या रहता है। अब बुक वैल्यू निकालने के हिसाब से मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है कि टोटल एसेट्स माइनस उसमें कर देंगे टोटल लायबिलिटीज, तो वहां पर हमें पता चल जाएगा उस कंपनी का टोटल बुक वैल्यू। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे केश में देख लेते हैं, अभी तुरंत देखिएगा एग्जांपल, आप देख लो यहां पर, मान लेते इस कंपनी का ही ले लो, यहां पर आपने देखा कि ये कंपनी है और इसका बुक वैल्यू अभी हमें अडानी टोटल गैस का कहां पर देखने को मिल रहा है 29 रुपए। अब उस कंपनी का जो बुक वैल्यू वो 29 रुपए है और स्टॉक का भाव कहां पर चल रहा है, यानी कि जो स्टॉक हमें 29 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू रखता है वो स्टॉक में 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप समझिए कितना ओवरबॉट स्टॉक हमें मिल रहा है, क्योंकि टोटल हमने अभी देखा कि टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटी, तो यहां पर पता चलता है कि कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है वो क्या है। तो यहां से आप एग्जैक्टली देखिए कि स्टॉक की जो बुक वैल्यू वो हमें यहां कहीं मिल रहा है और ये स्टॉक में किस वैल्यू पर मिल रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। ऐसे देख लीजिएगा, रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिलायंस को दोनों का हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहां पर रिलायंस का भी एग्जाम्पल देखिए। रिलायंस का एग्जाम्पल देखोगे तो 1110 रुपए पर, यानी कि 1110 रुपए का इसका पीवी है, यानी कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है, बुक वैल्यू है और स्टॉक का भाव कहां पर चल रहा है। अब देखिएगा उस कंपनी का 29 रुपए 30 पैसे का था वो कहां पर ट्रेड कर रहा था,
1003 रुपए पर। ये 1100 का भाव का स्टॉक 2700, तो इनमें पता चल गया कि कौन सा स्टॉक आपको महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सिंपल सी चीजें समझिएगा कि भाव क्या है। अब ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जिनका भाव होगा जो करेंट प्राइस होगा उसकी बुक वैल्यू से कम होगा, तब आप समझ जाइएगा ना कि वो स्टॉक हमें अंडर वैल्यू मिल रहा है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो स्टॉक अपने अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। लाइक अगर कुछ उदाहरण आपके पास होंगे तो उनको भी देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल है जिनको आप देखिएगा कि उनका जो करंट प्राइस होगा, मतलब स्टॉक का जो प्राइस होगा वो अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा होगा। अपने प्राइस होगा वो अपने बुक वैल्यू से क्या होगा, नीचे ट्रेड कर रहा होगा। तो वहां स्टॉक देखिएगा कि वो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू ट्रेड करता हुआ नजर आता होगा, राइट। अब ये आपने देख लिया कि हमारी बुक वैल्यू का काम क्या है, हमारी पीबी का काम क्या है। अब इसी में एक टर्म्स मैंने अभी बोला ना कि पीबी, क्योंकि अगर मैंने पी रेशियो की बात की तो यहां पर इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमें पता चल गया कि 20 के आसपास होगा बेहतर माना जाता है, और जितना कम होगा, जितना कम हो वो बेहतर है। अब ऐसे में हमने देखा कि प्राइस टू बुक वैल्यू, इसको देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट भाव हमने देखिएगा कि क्या इसका करंट भाव है, और नीचे हम लोग क्या करेंगे बुक वैल्यू, तो ये हमें पता चल जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू। ऐसे किसी स्टॉक का हम निकाल सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू, और इसको भी समझेगा सिंपल कॉन्सेप्ट जो पीवी रेशियो का है वही हमें पीबी का पता चलेगा। जितना कम होगा उतना बेहतर, जितना कम होगा उतना बेहतर। अगर एक के आसपास आ रहा, एक से कम आ रहा, निगेटिव ये भी नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव आएगा यानी कि वो स्टॉक क्या करे, वो कंपनी लॉस में चल रहा है। तो निगेटिव भी किसी के साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो सिंपल सी बात है वो निगेटिव जाएगा। तो निगेटिव आपको यहां पर नहीं लेना किसी का भी, चाहे पी रेशियो निगेटिव हो, यानी कि आप समझ जाइए वो कंपनी लॉस में चल रहा है, चाहे पीबी उसको समझ जाइए वो कंपनी लॉस में चल रहा है। तो आपको पीबी बिल्कुल भी निगेटिव में नहीं कंसीडर करना किसी भी स्टॉक में। अगर आप देख रहे हैं कि उसका पीबी हो या पी रेशियो अगर निगेटिव चल रहा है, यानी कि आप समझिए वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। तो ऐसे ही आप यहां पर करंट प्राइस लिखेंगे, उसका बुक वैल्यू लिखेंगे जो हम लोगों ने अभी यहां पर बुक वैल्यू कैलकुलेट कर उसका मल्टीपल यहां से डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा आप समझिएगा कि वो स्टॉक उतने सस्ते वैल्यूएशन के आसपास मिल रहा है। जितना ये हाई होगा, बहुत सारे स्टॉक क्या करते हैं 3 के आसपास, 6 के आसपास, 17 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आपको ऐसे स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये देखना है यार कि जितना कम हो, जितना कम हो 1 के आसपास मिल जाता है, यानी कि वो समझिए स्टॉक बहुत सही वैल्यूएशन के आसपास मिल रहा है, यानी कि बहुत सस्ते लेवल के आसपास आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिखाया तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा पीबी की बात करें तो यहां पर हम रिलायंस इंडस्ट्री का पीबी देख लेते हैं। मैंने आपको कैलकुलेट किया, हाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्क्रीनर है ना, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं screen.in है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट वेबसाइट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर बनाते वीडियोस, वो पे प्रमोशन फ्री वेबसाइट की बात करते हैं। यहां मैंने फ्री वेबसाइट को यहां पर लगा कर रखा ताकि हर एक मेरा व्यूअर्स इसको यूज कर सके, राइट। अब इसको देखिएगा, मैंने यहां पर लगा कर रखा हुआ है पीबी। अब प्राइस टू बुक वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया, प्राइस टू बुक वैल्यू आप इसमें एक बार देख लो, ये यानी कि हमने ये देखा कि प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकाला, करेंट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। आप इसको अभी भी निकाल सकते हो, यहां पर अगर मल्टीपल करोगे आपको निकल के आ जाएगा, राइट। जो प्राइस इसका चल रहा है, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं प्राइस क्या चल रहा है, उसको देख लो। प्राइस चल रहा 2706 रुपए का, और उसकी बुक वैल्यू ये है ना, इसका अगर भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप कैलकुलेट यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं यहां से 2706, और आप देख लीजिएगा यहां पर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि हर चीज का ना एक एग्जाम्पल परफेक्ट होना चाहिए आपको, राइट। यहां से क्या है 2706 डिवाइड बाई हम कर देते हैं 1110, 1110 कितना है 2.40, कितना है आप यहां से देख लो, एग्जैक्टली वही निकल के आया, आप यहां से देख लो वही चीज निकल के आए। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू से स्टॉक कहां ट्रेड कर रहा है, दोगुने पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोगुने भाव पर मिल रहा है। तो ये भी कहूंगा कि महंगा ही आप एक तरीके से कह सकते हो, कि जितना मैंने क्या था, जितना कम होगा उतना चलेगा। वही चीज अगर मैं आपसे कहूंगी, अगर इसका एक आता तो हम कहते हैं कि फेयर वैल्यूएशन के आसपास, यानी कि जो इसकी बुक वैल्यू है उसी पर ट्रेड कर रहा है। लाइक अगर ये 0.5 आता तो हम ये कह सकते थे कि अब मुझे ना, मैं अगर 100 रुपए इस कंपनी में लगा रहा हूं तो मुझे ना 200 रुपए यहां मिलने के चांसेस है, क्योंकि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो स्टॉक के 50% पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आगे पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक ऐसे, मैंने आपसे कहा कि भी जो बुक वैल्यू आप देखा करो, किसी स्टॉक की बुक वैल्यू क्या चल रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक अपने बुक वैल्यू से आधे रेट पर, तिहाई रेट पर चल रहे हैं, तो उसको देखो। तो पीबी का सिंपल सा मतलब, अगर एक के आसपास आ रहा है यानी कि वो फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, उसी रेट पे मिल रहा है जहां पर उसकी बुक वैल्यू है। जितना कम होगा आप समझ जाएगा कि आप कंपनी में अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करो, वहां से 200 मिलने के आपको चांसेस हैं, क्योंकि वो आधे वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहा है। तो आपने यहां से देखा, हमने करंट वही चीज निकाली, यानी कि ये स्टॉक 2.5 गुना महंगा मिल रहा है, ठीक है। अब इसी का एक एग्जांपल आप देख लो,
मैंने आपसे क्या था एटीसीएल का भी एग्जाम्पल देख लो, एटीसीएल का देख लो, एटीसीएल का जो भाव है वो आप यहां से देख सकते हो, ये देखो एटीसीएल का भाव कहां पर चल रहा था, ये देखो 1003 पे, यहां पर कितना मिल रहा है, 34 गुना स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप समझिए पीबी कितना उसका 34, यानी कि अब आप ये समझ गए होंगे कि कौन सा हमारे लिए बेहतर स्टॉक है। और एग्जैक्टली यही तो लोग नहीं जानते, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यही चीज तो मेन होती है, जब हम एनालिसिस करते हैं बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको हम एनालाइज करके स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बताइए क्या आप खरीदना चाहोगे इस कंपनी को 34 के पीबी पे, क्योंकि स्टॉक का जो पी है अभी हमने देखा कि 2.44 पे जो स्टॉक हमें मिल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री भारत का सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी में मिल रहा हो, वो 2.5 गुने पे मिल रहा है, ये हमें 34 गुने पे मिल रहा है, यानी कि हम उस कंपनी में अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप समझिए कितना हमें रुपए मिल रहा है। ये स्टॉक इतने हाई पर मिल रहा है, 34 गुने पर अपने रियल वैल्यू से 34 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये फर्क है ना कि आपको इन चीजों को देखना चाहिए, इसका अगर आप मल्टीपल करोगे इसके बटे इसको अगर मल्टीपल करोगे तो आपको यहां से निकल के आ जाएगा कि पीबी क्या निकल के एग्जैक्टली आ रहा है। देखिए यहां से सीधा सीधा आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा, तो आपने इस चीज को देख रखा कि हमें कैसे का? अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बहुत सारा आपने ये भी नाम सुना होगा फेस वैल्यू, स्टॉक का फेस वैल्यू क्या क्रिएट करना है, और ये कब आपने टर्म सुना होगा जब स्टॉक क्या करता है स्प्लिट या डिविडेंड की बारी आएगी ना, तो वहां पर आपको मिलेगा जब ये डिविडेंड की बारी आएगी वहां पर आपने सुना होगा कि यार स्टॉक की फेस वैल्यू भी कोई चीज होती है, क्योंकि अभी हमने पीवी देखा, पी रेशियो देखा, या आपने ईपीएस देख रखा, तो बहुत सारे टर्म्स देखा, लेकिन फेस वैल्यू क्या होता है, अभी फेस वैल्यू कैसे डिसाइड होती है इसको भी देख लो। फेस वैल्यू हमें डिसाइड होता है जब कंपनी का आईपीओ आता है, जब कंपनी का आईपीओ आता है। अब आईपीओ में कैसे पता चलता है, मैंने आपसे एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि कोई कंपनी 50 करोड़ रुपए में अपने आप को मार्केट में लाना चाहती है, यानी कि वो मार्केट से 50 करोड़ रुपए लाना खरीद लेना चाहती है, मतलब वहां से अर्न करना चाहते हैं। अब इस कंपनी में मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ नंबर ऑफ शेयर, कुछ शेयर में बांटा गया होगा, इसकी वैल्यूएशन जो है ना वो बांटी गई होगी, जिसको हमने शेयर कह दिया, शेयर मतलब आपने टुकड़े, अब उस टुकड़ों में बांटा गया होगा, तो उस टुकड़े की एक कुछ कीमत रखी गई होगी, उसकी फेस वैल्यू रखी गई होगी कि एग्जैक्टली उस टुकड़े की एक टुकड़े की वैल्यू है कुछ, उसका चेहरे की वैल्यू है, सीधा फेस को हम चेहरे से समझ लीजिए कि उस चेहरे की ना उस टुकड़े की कुछ वैल्यू रखी गई होगी जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब 50 करोड़ की वैल्यू थी, अब उसमें से उन्होंने कहा कि ना हम इसमें ना भैया 1,00,000 नंबर ऑफ सेल्स लगा लेंगे, या मैं बात कहता हूं कि उन्होंने 1 करोड़ नंबर ऑफ सेल्स लेंगे, थोड़ी देर के लिए यहां पर 1 करोड़ मान लो कि 1 करोड़ नंबर ऑफ सेल्स रखें, 1 करोड़ नंबर ऑफ सेल्स रखें, तो 1 करोड़ नंबर 50 करोड़ बाई 1 करोड़ हमने नंबर ऑफ सेल्स को रख दिया, या 10 करोड़ मान लेते 10 करोड़ नंबर ऑफ सेल्स रख लिए, तो वहां पर जो फेस वैल्यू कैलकुलेट होगा अगर हम डिवाइड करें तो फेस वैल्यू क्या होगा 5 रुपए प्रति शेयर की फेस वैल्यू रखी गई। तो एग्जैक्टली फेस वैल्यू क्या है ना वो 5 रुपए आपने देखा होगा, इसी केस में एग्जांपल देख लेते हैं फिर इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। यहां से देखिए स्टॉक का एक फेस वैल्यू रखा गया, देखो इसका ना एक फेस वैल्यू रखा गया, फेस वैल्यू अगर आप यहां से देखोगे तो 1 रुपए फेस वैल्यू, यानी कि इस कंपनी के एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो जो चेहरे की वैल्यू रखी गई वो 1 रुपए रखी गई। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री का होगा अलग अलग होगा, जैसा आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए होता है, अभी 10 रुपए जो होती है फेस वैल्यू वो कब मैटर करती है उसको देख लो, ये मैटर कब करती है, 10 रुपए 5 रुपए का क्या मैटर है, वो हमने आपसे कहा ना कि ये जो मैटर करती है वो जब इसका प्राइस वैल्यूएशन होता है, जब हमें डिविडेंड अनाउंसमेंट करना होता है, या हमें कह सकते हैं डिविडेंड अनाउंसमेंट या स्प्लिट करना होता है, तो आपने देखा होगा कि किसी स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए, उसको तोड़कर क्या कर दिया गया, 10 रुपए वाली जो चीज है उसको तोड़कर 2 रुपए में कर दिया गया, फेस वैल्यू 2 रुपए, यानी कि अभी कंपनी के पास हमने देखा था कि 1 करोड़ नंबर 10 करोड़ नंबर ऑफ सेल्स थे, क्योंकि 50 करोड़ का उसने वैल्यूएशन किया था, तो 10 करोड़ नंबर ऑफ सेल्स उसने ट्रेड करा, तो टोटल नंबर ऑफ फेस वैल्यू कितनी थी 5 रुपए प्रति शेयर की फेस वैल्यू थी। ऐसे ही किसी मान लो किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको तोड़कर यानी कि अब वो क्या कर रहा है, अपने टुकड़ों की संख्या बढ़ाना चाहता मार्केट के अंदर, अभी उसके पास कितने शेयर थे 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर थे, तो उसने क्या किया इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि 5 टुकड़े और इसके बना दिए, किसी चीज को 5 टुकड़ों में और कन्वर्ट कर दिया, तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर उतने गुना हो गए, यानी कि 5 गुना और नंबर ऑफ शेयर हो गए। जैसे हम लोगों ने सुना भी है अभी क्या हुआ कि रिफेक्स इंडस्ट्री ने, रिफेक्स इंडस्ट्री की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, उसने क्या किया इसको 2 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। अब रिफेक्स इंडस्ट्री के पास कुछ भी नंबर ऑफ शेयर्स, मान लेते हैं कि उसके पास सिर्फ 10 नंबर ऑफ शेयर्स या 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स,
अब उसने क्या किया कि फेस वैल्यू 10 की थी, उसे हमने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया था कि मार्केट कैप कितना होता, तो अब उसने क्या किया इसको 2 रुपए फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 10 इंटू उसने क्या किया इसको 5 कर दिया, तो अब इसके पास जो 10 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितना हो गया, 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के पास जो सर्कुलर है, नंबर ऑफ शेयर्स है, वो ज्यादा मार्केट में ट्रेड करने लगेंगे, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में क्या होगा, इस स्टॉक की ज्यादा आ जाएगी। तो एग्जैक्टली ये हमें वहां पर देखने को मिलता है। ऐसे डिविडेंड के केस में होता है स्प्रेड का, कि डिविडेंड पर शेयर पर दिया जाता है, यानी कि प्रति शेयर की फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती है, उन्होंने कहा 1 रुपए की फेस वैल्यू में 300% का डिविडेंड देना, यानी कि भैया 1 रुपए की चीज में वो 3 रुपए का डिविडेंड अपने प्रति शेयर होल्डर को देना चाहते हैं। तो आप इसका दो जगह बहुत मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब स्प्लिट किया जाता हो या वहां पर आपको डिविडेंड पे आउट करना हो, तो वहां पर आपको मेन फेस वैल्यू का रोल होता हुआ दिखता है। अब दूसरी जगह फेस वैल्यू का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि भैया फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा लाइक अभी एक कंपनी थी नेशनल इंडिया का स्टॉक था, बहुत हाई चला गया, बहुत हाई था, मतलब 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये 16,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो एक इन्वेस्टर कंपनी के मालिक जो होते हैं ना प्रमोटर, वो बहुत सारा दिमाग लगाते क्योंकि उनके पास अकाउंटेंट बैठे, बहुत सारी चीजें होती। तो ये आपसे पूछा जाए या मुझसे पूछा जाए, एक आम रिटेल इन्वेस्टर से पूछा जाए जो मार्केट में न्यू है और वो मात्र 20,000 रुपए से ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहता है, तो आप क्या ये मानोगे कि कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा कि वो 20,000 रुपए में 16,000 का एक शेयर लेकर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देगा? नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होता है, प्रमोटर क्या देखते हैं, कंपनी के मालिक यार इस कंपनी का जो भाव है स्टॉक का बहुत हाई हो गया है, इसको ना एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स परचेज नहीं कर पाएगा, यानी कि उस स्टॉक की ना लिक्विडिटी बहुत कम हो गई, लिक्विडिटी वहां पर कम हो गई, तो वो क्या करेगा ना कि ऐसे स्टॉक का जो फेस वैल्यू 10 रुपए है या 5 रुपए या 2 रुपए, वो क्या करेगा ऐसे केस में स्प्लिट कर देगा, उसके भाव को छोटा करने के लिए भी स्प्लिट किया जाता, ताकि अभी जो फेस वैल्यू 10 रुपए थी क्योंकि भाव बहुत ऊपर चला गया, तो उसको भाव कम करने के लिए उन्होंने क्या किया था, 5 के रेशियो में इसको टुकड़ों में तोड़ दिया था। अब क्योंकि फेस वैल्यू जिस अकॉर्डिंग टूटेगा उसी अकॉर्डिंग प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा, तो अभी वो स्टॉक आपको कहां पर मिल रहा है, 2500 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट, ये फेस वैल्यू का रोल क्या होता है, क्यों स्प्लिट किए जाते हैं शेयर, क्यों मतलब जब प्राइस हाई हो जाता है, ऐसे रिफ्लेक्स इंडस्ट्री में भी देखने को मिले, और कभी कभी तो ऐसा होता है प्रमोटर्स ना जाने क्यों स्टॉक स्प्लिट कर देते, बहुत सस्ते स्टॉक को भी स्प्लिट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और यहां पर कह सकता है कंपनी के प्रमोटर टू प्रमोटर, सारी चीजें अलग अलग डिपेंड करते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो फ्रेंड्स, अब तक के जितने हमने टर्म्स पिछले चीजों में डिस्कस करे ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। और आपने मुझसे बहुत बार ये सुना होगा जब स्टॉक की वैल्यू करते हैं ना, जब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के बारे में, तो वहां पर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सुना होगा मेरे से कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि स्टॉक की ना, जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक को खरीदता है तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि भैया उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है कि उसके ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, उसका रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है, तो इससे स्टॉक का ना उस कंपनी के स्टॉक का एक करेंट भाव जो मतलब कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू पता चलती है स्टॉक की, ये जगह स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। आप सीधा सीधा समझिए, कोई स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड चल रहा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपए पर चल रही है, यानी कि 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक वैल्यू उसकी मान लेते 120 रुपए की। अब उसमें से इन्वेस्टर्स को यह पता चलता है कि यार स्टॉक ने 100 रुपए पर ट्रेड करा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपए है, और एक केस में 80 रुपए दिख रहे हैं, दूसरे केस में हमें यहां पर दूसरे स्टॉक का 120 रुपए केस में देखने को मिल रहा है, तो उसको ये पता चलेगा एग्जैक्टली स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर कि यार इसकी वैल्यू क्या है, मतलब स्टॉक की औकात क्या है। अब सिंपल सी बात है, भाषा में ये समझ लो कि उसकी रियल वैल्यू क्या, औकात क्या है स्टॉक की। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला है, उसको भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में यहां पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें पता चलता है। मान लो सबसे पहले हमने यहां पर अडानी टोटल गैस का उदाहरण लिया था, तो अडानी टोटल गैस के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, इस स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 140 रुपए, यानी कि इस स्टॉक की 80 ईयर की रियल वैल्यू अगर हम बात करें 80 ईयर की, तो रियल वैल्यू जो यहां पर निकल के आ रही है वो 140 रुपए, और स्टॉक कहां पर ट्रेड कर रहा है 1,030 रुपए पर। ये इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे निकालता है, आप समझिएगा कि उस स्टॉक की जो वैल्यू है रियल वैल्यू, उसकी ग्रोथ रेट, उसकी अगर इसमें बहुत सारी चीजें होती है, हम इसमें बात करें कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की
या कॉपरेट ट्रिपल एक्स बॉन्डेड की, तो ट्रिपल ए बॉन्डेड की बात करें उसमें ग्रुप बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आती है ना, उससे हम कहते हैं स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। तो यहां पर आपने देखा कि स्टॉक, अब यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की रियल वैल्यू क्या है, वो भी आप देख लो। तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो रियल वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि स्टॉक हमने अभी देखा कि 2706 रुपए का है, कहां पर देखा 2706 रुपए का, जबकि उसके औकात क्या, रियल वैल्यू क्या है 2274 रुपए। तो ये चल सकते हैं कि भैया उस स्टॉक की जो वैल्यू है वो मार्केट में 2274 रुपए की है जो निकल के आ रही है, एक रियल वैल्यू है जहां पर स्टॉक में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जिसकी, क्योंकि अब भैया कोई चीज है, मान लो कि मेरे पास एक कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसकी कीमत यहां पर 100 रुपए है, तो मैं इसको इसीलिए लाया हूं ना कि इसको ऊपर बेच पाऊं, तो ये लोग क्या करेंगे इसको ऊपर ही बेचना चाहेंगे। और जो लोग खरीदना चाहेंगे कि भैया आज इसकी कीमत 100 रुपए है मार्केट में, कल ये चीज ग्रोथ करेगी तो ये हमें 140 की भी हो सकती है, लेकिन रियल वैल्यू करंट टाइम पर तो यही है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि करंट टाइम पर इसकी वैल्यू यही है, लेकिन स्टॉक में यहां पर लोगों ने खूब निवेश किया क्योंकि लोगों को पता ना ये इस वैल्यू पर रियल वैल्यू स्टॉक निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक का आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी मिलेगी और तगड़ा जाएगा 5-10 साल, क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से चलेगा तो ये उसका करंट भाव में पता चल रहा है। तो आपने देखा कि ATGL का 140 रुपए चल रहा है और स्टॉक चल रहा है 1003 रुपए पर, यहां पर 2200 यानी कि 2300 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी कि 400 रुपए महंगा, और यहां पर देखिए 10 गुना स्टॉक महंगा। तो ये फर्क होता है कि हमें ये पता चलता है कि रियल स्टॉक की औकात क्या हो वहां पर पता चलती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर देखिएगा कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से ग्राफ नंबर भी निकालता हूं, मैं ग्राफ नंबर भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू की चर्चा कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होते हैं। तो इंट्रेंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ईपीएस 8.5 2z, और यहां पर हम लोग लेते हैं यहां पर ए और यहां पर ले लेते हैं बाय। अब आपने ये देखा ईपीएस तो हमें पता है कि भैया अर्निंग पर शेयर हो गया कि एक साल में कंपनी कितना अर्न कर रही है एक शेयर के ऊपर, वो क्वार्टरली और मंथली वो सारी चीजें चेंज होती रहती है, जब भी रिजल्ट आएगा वहां पर चेंज होगा राइट। अब 8.5 क्या, ये एक नंबर है, मैं आपके इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। यहां पर ग्रोथ रेट हमें देखनी है कि भैया कंपनी की पिछले 5 साल की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, उसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो उसकी क्या हमें ग्रोथ उसकी देखना मिल रही है, आप यहां से ले सकते हो। अब ये क्या होता है, ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, इसको निकालना पड़ेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कहोगे यार सर इतना कौन करेगा, तो भैया इसके लिए फ्री कॉस्ट वेबसाइट है जैसा हमने अभी देखा। तो ये हमें सिर्फ मैं आपको कि हमें एग्जाम्पल लिखना नहीं है कि जाकर है ना यूपीएससी का एग्जाम लिखना, यहां पर हमसे ये पूछा जाएगा, कहीं नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट पड़ी फ्री कॉस्ट, टर्न से मारो पढ़ाई से निकल के आ जाए भैया ये नंबर इसका है, आप देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए एग्जैक्टली कि यार कैसे निकलता है, हो सकता है कि उस वेबसाइट ने गलत रखा हो तो हमें तो मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, उसको देख लो राइट। तो ये फॉर्मूला होता है कि अर्निंग पर शेयर, वहां पर आप किसी भी स्टॉक का अर्निंग पर शेयर लेंगे 8.5 के साथ वहां पर मल्टीपल करेंगे, और उसके बाद आपने यहां पर कंपनी की लगभग 5 साल की आपको ग्रोथ लेनी है, सेल्स ग्रोथ लेनी है, और उसके बाद यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लेना है, बॉन्ड यील्ड लेना है, और ये अभी करंट टाइम पर जो बॉन्ड यील्ड चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, बॉन्ड यील्ड जो चल रहा है, बॉन्ड यील्ड जो चल रहा है उसको देख लीजिएगा, ये 7.4 चल रहा है करंट टाइम पर राइट। और इसके बाद जो बाय है ना, ये बाय, ये ए था और ये बाय था, बाय क्या था, ये आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड देखना है जो अभी करंट भाव में यहां ट्रिपल ए भी डाला है, ट्रिपल ए ठीक है, अब यहां पर जो चल रहा है 4.65% चल रहा है। अब इसको कहीं पर भी इंप्लीमेंट करें, किसी जगह भी इंप्लीमेंट करें, आपको एग्जैक्टली उसकी स्टॉक की औकात पता चल जाएगी, स्टॉक का वैल्यू क्या यहां पर, क्यों, क्योंकि आपने ये भी देखा इन्फ्लेशन भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि हम उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है। तो अब जब भी पॉलिसी लेना ना, तो इस चीज को जरूर देखना कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट में पॉलिसी में बेहतर मिल रहा है या यहां पर बेहतर मिल रहा है। तो ये वैल्यू ना आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पर एक बार देख लो, एग्जैक्टली मैं फिर से बहुत साफ तरीके से लिख देता हूँ, और ये नेट पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। यहां से मैं लिख के दे रहा हूं इंट्रेंसिक वैल्यू ईपीएस 8.5 + 2z a, और पब्लिक में आपको लिखना है बाय। यहां पर बाय का मतलब है कॉर्पोरेट ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड, और यहां पर आपको लिखना है ए जो है गवर्नमेंट लगभग 7-10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है बॉन्ड यील्ड।
ये आपको 4.65% मिल रहा है करेंट टाइम पे, और ये आपको मिलेगा 7.44% का करेंट टाइम। जी की बात करें तो यहाँ पर जी है ना वो लगभग 5 ईयर का आप लेंगे सेल्स ग्रोथ, जो प्रेजेंट टाइम पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अर्निंग पर शेयर तो पता ही है कि कंपनी का कितना आपको अर्निंग पर शेयर लेना है, और इसको कैलकुलेट करिए आपको पता चल जाएगा स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा हम लोगों ने अभी देखा एग्जाम्पल, मैंने दो आपको दो कंपनीज का एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पर, दो कंपनीज का एग्जाम्पल लाइक रिलायंस इंडस्ट्री और एटीजीएल का एग्जाम्पल है। हम किसी भी इंडस्ट्री का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते थे, एक रिलायंस इंडस्ट्री था और दूसरा हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एटीजीएल का, राइट। तो कभी भी आप कहीं पर किसी दो कंपनी का तीन कंपनी का एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पहले से नहीं पता होगा, प्रीडिफाइंड होगा नहीं कि यार मुझे ना एटीजीएल में इन्वेस्टमेंट करना है या रिलायंस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपने मूड नहीं बनाया होगा। और जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मूड बनाते ना तो ये सारे टर्म्स आपको चेक करने पड़ते हैं, तो वहां पर आपको एक फेयर वैल्यू निकल के आएगी कि यार ना मुझे रिलायंस इंडस्ट्री में सही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब सही इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा या एटीजीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो यहां पर मेरा सिर्फ मतलब ये ना आपको सही से एजुकेट करना, सारी चीजों को आपको एजुकेशन पर्पज से बताना कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा मेरे लिए कंपनी बेहतर हो सकता है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारे और टर्म्स होते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आरओसी क्या होता है, आरओसीई क्या होता है, आरओई क्या होता है, और यहाँ पर पीबी हम लोगों ने देख ही रखा, एंड यहाँ पर हम प्रमोटर होल्डिंग कैसे चेंज करते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक करेंगे कि कैसे हम उनको कैलकुलेट करके और बेहतर से बेहतर इस जर्नी को और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर भी आप जरूर बताएगा कि कुछ एड ऑन करना है या आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।